का टीवी न्यूज़ के इस में आप सभी दर्शकों स्वागत है मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर छात्रों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर किया प्रदर्शन आज जिलाधिकारी कार्यालय पर आजमगढ़ जिले के सभी महाविद्यालय के छात्र व छात्र नेता पहुँचे और यहाँ विरोध प्रदर्शन किया सिबली पीजी कॉलेज श्री दुर्गा जी पी जी कॉलेज डी ए वी पी जी कॉलेज व शिवाजी पी जी कालेज तिर मालटारी आजमगढ़ के सभी छात्रों ने जिलाधिकारी महोदय से मांग की कि छात्र संघ चुनाव दो हजार बीस इक्कीस की तिथि जल्द से जल्द घोषणा किए जाए जिसे छात्रों के पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से चल सके पत्रकारों से हुई बातचीत में छात्र नेता लालजीत यादव क्रांतिकारी ने कहा कि जिस तरह पूरे प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं जिले में अभी एमएलसी का चुनाव हुआ उसी तरह छात्र संघ चुनाव की तिथि जल्द से जल्द घोषित किए जाए जो हम सभी छात्रों को पठन पाठन में दिक्कत आ रही है वह सुचारू रूप से चल सके जिलाधिकारी ने कहा कि हम सभी महाविद्यालय के प्राचार्य लोगों से बात करके जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित करेंगे इस मौके पर ब्रिजेश सोनकर उत्कर्ष मध्येशिया अजय यादव चंदन भारती योगेश पाल आशीष यादव रितेश पांडे अभिषेक कुमार प्रवीण चौहान सत्येंद्र राजपूत सहित काफ़ी संख्या में छात्र उपस्थित थे इस बाबत क्या कुछ कहा छात्र नेता लालजीत यादव ने हम आपको सुनाते हैं पीजी कॉलेज दुर्गा जी पी कॉलेज, चंडेश्वर पीजी कॉलेज माल तारी कॉलेज और तेरे पीजी कॉलेज के हम सभी छात्र आज आए हुए हैं आज हम लोग डीएम साहब से मिल करके ज्ञापन दिए हैं और यह मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से हर प्रदेश में और हर जगह पे चुनाव कराया जा रहा है चाहे मलसी का चुनाव अभी कल की ही डेट में हुआ है तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों के जो छात्र संघ का चुनाव है ये इसकी तिथि जल्द से जल्द घोषित होनी चाहिए जिससे हम छात्रों के जो पठन पाठन में अभी दिक्कतें आ रही हैं जो वो पूर्ण रूप से सुचारू रूप से चलें हम लोग यही मांग लेकर के डीएम साहब को ज्ञापन दिए हैं और डीएम साहब अभी सर कहे हैं कि हम इस पर प्रचार महोदय लोगों से बात करके चर्चा करके इसकी तिथि घोषित करेंगे